भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अतुल प्रधान के आमरण अनशन में उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। मेरे साथ हैं टिकैत साहब, आप रूबरू हुए वहां पर जो समर्थक थे उनसे, और जो अतुल प्रधान है उनका भी हालचाल जाना है। देखो मुद्दा तो ठीक है इनका और लोग त्रस्त भी हैं, और इस तरह का ये पहला आंदोलन हुआ कि आम जनता मेडिकल हॉस्पिटल के खिलाफ इकट्ठी हुई। तो इस तरह की हालात जब होती है, जब समस्या बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाती है, क्योंकि बीमार आदमी एक बार होता है घर में, उसको दिक्कत हुई तो आदमी चला गया, तो डेथ होगी या ठीक होकर चला गया, लुट गया, फिर कोई दूसरा आया, फिर तीसरा आया। ये बड़ी समस्या है। हमने ये कहा कि प्रशासन, सरकार, जो यहाँ के लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, अतुल प्रधान, उनकी पूरी कमेटी और डॉक्टरों की कमेटी, वो एक बार बैठ कर कुछ मुद्दों पर सहमति बनाए। सर, 5 दिन का वक्त हो गया, भूखे प्यासे अतुल प्रधान बैठे हुए हैं और प्रशासन भी लगातार यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी है, लेकिन इसका हल निकालने की तरफ कहीं प्रयास नहीं हो रहा। नहीं नहीं, हल निकाल रहे होगा, ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं लग रहा, प्रशासन को भी चिंता रहती है। ये भी अतुल प्रधान भी सम्मानित व्यक्ति है और चुना हुआ विधायक है, और डॉक्टर साहब भी एक सम्मानित पद यहाँ पे हैं, उनका भी लोग सम्मान करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठा कर बातचीत शुरू करें। सर, अतुल प्रधान की आपने बहुत तारीफ की मंच से, तो उनका जो स्टेमिना है वो किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है, स्टेमिना तो जो आदमी लग जाए तो बॉडी में उतनी तो मिलती रहती है, एनर्जी बॉडी में बहुत रहती है। अच्छा, आपने एक बात कही कि अगर नहीं चेते तो 2024 में ये बीमारी फिर से आएगी और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी बीमारी। आपका इशारा किस ओर था? जिसकी तरफ आप समझो उसी की तरफ था। थोड़ा खुल के भी बता दिए, आप ही बता दो। जैसे अभी जिस तरीके से जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं, वो तो लगातार जो 3 राज्यों में आई वही आओगी फिर, और ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सर, उसका निदान क्या है? निदान का क्या बता जा भाई, निदान तो जिन्हें चुनाव लड़ना में बताऊंगे, हम तो आंदोलनकारी है। लेकिन सर, आपने जो आंदोलन किया वहाँ भी तो कोई निदान नहीं निकला, इतना लंबा आंदोलन से निदान नहीं निकला तो क्या इलाज है? आप बताओ क्या इलाज है? इलाज जमीन पर अभी अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मैडम, अभी समय लगेगा। और जो आमरण अनशन है अतुल प्रधान का, वो लगातार चल रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीमारी बढ़ रही है, उन्होंने इशारों में बीजेपी को, जो हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव जीती है, उसको बीमारी बताया, और ये भी कहा कि 2024 में ये बीमारी और बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि डॉक्टरों और जो अस्पताल, ऐसे अस्पताल जो मरीजों से लूट करते हैं, उनको उनसे उगाही करते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जहां बात चल रही थी, वहीं इशारे में राकेश टिकैत बहुत कुछ बोल गए और उन्होंने भाजपा को बीमारी कहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।